हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। कल हमने सीखा था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये आज उसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब यहाँ पर आपको टू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो रहेगा कि जहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कैसा हो, यानी कि जो डेसिमल की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि डेसिमल क्या है, अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, यानी कि 10^10 एनीथिंग, उस टाइप का अगर आपका फ्रैक्शन आपको दे रखा है और उसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो वो बहुत इजी है, एक स्टेप में ही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको जो फ्रैक्शन दी है वो उस टाइप की नहीं है, यानी कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 इस टाइप का नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है वो एक अलग तरीके से सोल्व होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होता है 10, 100, 1000 इस टाइप से। मान लो कि आपका कोई क्वेश्चन है 3426 डिवाइड बाई 100, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। तो अब देखो, कल हमने क्या किया था कि अगर किसी डेसिमल में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं, तो डिवाइड किससे किया था, 100 से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 100 है, तो जो डेसिमल आएगा पहले उस संख्या को एज इट इज़ लिख लें जो आपका न्यूमरेटर है। अब वहाँ पे आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो 100 के लिए पॉइंट कहाँ पे लगेगा, राइट मोस्ट साइड से जाना है लेफ्ट साइड में, और कितने प्लेस जाओगे, 2 प्लेस, यानी कि 1, 2। तो 2 के आगे आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट, यानी कि 34.26 आपका क्या हो गया आंसर। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 78/1000, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अब न्यूमरेटर को एक बार एज इट इज़ लिखें, उसके बाद डिनोमिनेटर में 0 चेक करें कितना है, 30 है, तो पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते समय 3 डिजिट आपको सेलेक्ट करनी है और फिर पॉइंट लगाना है। सो 1, 2, अब आगे डिजिट ही नहीं है तो डिजिट कम पड़ जाए तो 0 लगा लो, 1, 2, 3 डिजिट हो गई, अब आप पॉइंट लगा दो, और पॉइंट अगर बिल्कुल लास्ट में है मतलब शुरुआत में आ गया तो वहाँ पे एक और 0 आप डाल दीजिए, तो 0.78 आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर आपको दिया गया है 110/1000, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे कि आपको पता है 1, 2, 3, 3 0 हैं, तो जो आपको आप न्यूमरेटर दिया गया है एज इट इज़ लिखने के बाद प्लेसेस काउंट करो, 1, 2, 3, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं हम, 1, 2, 3, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट, और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0, तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो 0.11, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद लास्ट में अगर 0 है तो उसका कोई मतलब वो वैल्यू पे कोई डिफरेंस चेंज नहीं लाता है वैल्यू में, तो इसका मतलब हम 0.110 की बजाय क्या लिख सकते हैं, 0.11। क्लियर। सो ये तो हो गया आपका कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को डेसिमल में, और कौन सी फ्रैक्शन को स्पेशली, जहाँ पर क्या दिया गया आपको डिनोमिनेटर में 100, 1000 इस टाइप की जो चीज़ें होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपको सिंपल कोई फ्रैक्शन दे दी जाए, जैसे कि भाई आपका हो गया 3/5, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो सिंपल सॉरी डेसिमल में, तो आपको पहले सिंपल क्या करना है, डिवाइड कीजिए वहाँ पर के किसको, अंदर कौन जाएगा, जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइडेंड बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिविजर। अब 5 से 3 ऑलरेडी छोटा है तो पॉइंट लगा करके हमने 0 लगा लिया, तो क्वेश्चन में भी शुरू में क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि शुरू में ही हमें पॉइंट लगाना पड़ गया, तो फिर कितना हुआ, 30 हो गया, तो 5, 6 जा 30 माइनस करोगे 0, यानी कि कितना हो गया आपका 0.6, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.6, और ये आप जो डिवीजन है ये भी फेयर कॉपी में साइड में ही सम के साइड में करके दिखाओगे। क्लियर। सो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में। अगर फ्रैक्शन के लास्ट सॉरी डिनोमिनेटर में 100, 10,000, 10,000, 1 लाख इस टाइप की चीज़ें हैं, तो सिंपल आप क्या करना है, आपको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, सॉरी डिवाइड भी नहीं करना है, जितने 0 हैं उसके हिसाब से पॉइंट लगा दो राइट से लेफ्ट साइड में चलते हुए प्लेसेस को काउंट करके। बट अगर आपका न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर ऐसा है जहाँ पे कोई ना कोई
अलग नंबर है 10, 100, 1000 के अलावा, तो वहाँ पर आपको सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर रहेगा डिवाइड के साइन के अंदर, जहाँ पर डिवाइडेंड जिसको हम बोलते हैं, और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका डिविजर, तो जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होते हैं समाप्त। एक्सरसाइज फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जहाँ पर आप सीखोगे कि एडिशन कैसे की जाती है डेसिमल्स की। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।